आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहा है कि वे शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतें। कोर्ट ने कहा, आपकी यानी कि तेजस्वी बातों पर आम नागरिक विश्वास करते हैं, ऐसे में कुछ भी कहने के दौरान अपने शब्दों के चयन में सावधानी और सतर्कता बरतें। बता दें, सीबीआई और तेजस्वी यादव का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत रद्द करने का कोई विशेष आधार तो नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी को शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीबीआई के अधिकारी उनके ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से यह भी कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जांच एजेंसी उनकी जमानत को समाप्त करने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।